Hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for entertainment news. Just jonically, aap rehte excited. So why wait? Let's start with it. बॉलीवुड की मस्तानी गर्ल दीपिका पादुकोण ने लाखों फैंस के दिल तोड़े जब उनके फैंस को पता चला कि दीपिका प्रेग्नेंट है। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट है उसे एक बार फिर से वो टूटे लाखों दिल दोबारा से जुड़ सकते हैं। बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण बीते दिनों काफी सुर्खियों में रही, कभी अपनी हॉलीवुड फिल्म को लेकर तो कभी अपने बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ छुट्टी मनाने के लिए तो कभी रणवीर के साथ अपनी इंगेजमेंट को लेकर। यहां तक कि उनकी प्रेगनेंसी की खबर ने तो लाखों लोगों के दिल तक तोड़ डाले। लेकिन दीपिका ने फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, उनके चाहने वालों का चेहरा जरूर खिल उठेगा। दीपिका प्रेग्नेंट नहीं है, जी हाँ, और ना ही उनकी इंगेजमेंट हुई है। और तो और उनका जल्द ही शादी करके गृहस्थी बसाने का भी अभी कोई इरादा नहीं है। एक प्रोग्राम के दौरान डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर उतरी दीपिका ने बताया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा कोई बेबी नहीं है और ना ही मेरी सगाई हुई है। मेरा अभी इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। पिछले कुछ समय से दीपिका की प्रेगनेंसी और इंगेजमेंट की खबर सोशल मीडिया में छाई हुई थी, जिससे दीपिका भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड तो जरूर हुई। शायद तभी इस तरह बिना पूछे ही वो मीडिया के सामने अपनी सफाई देती हुई नजर आई। वेल, दीपिका इस रैंप पर दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। करीना सैफ के लिविन में रहने पर बहन करिश्मा कपूर और करीना की मां नाखुश थी। करीना के इस फैसले से करिश्मा को हैरानी भी हुई थी। कुछ साल पहले ही करीना कपूर ने नई जिंदगी बिताने का फैसला लिया था और शादी से पहले उन्होंने सैफ अली खान के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू किया था। फिर साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेबो काल सैफ के साथ लिव इन में रहने का फैसला करिश्मा और उनकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। खबरों के मुताबिक करिश्मा का कहना है, हमारी फैमिली उतनी भी एडवांस नहीं है, पहले तो हम इस फैसले से हैरत में पड़ गए थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि बेबो हमेशा सही फैसले लेती हैं। बता दें कि सैफ और करीना साल 2008 में टशन की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। चार साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। उनकी वेडिंग सेरेमनी को द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने द वेडिंग एंड द सोशल इवेंट ऑफ द ईयर कहा था। हाल ही में करीना कपूर की प्रेगनेंसी की खबर भी आई है, लेकिन फिलहाल आराम करने के मूड में नहीं है। करीना जल्द ही सोनम की बहन रिया कपूर की फिल्म वीरा दी वेडिंग में नजर आएंगी। दंगल फिल्म के लिए पहलवान ही नहीं बल्कि सिंगर भी बनने जा रहे हैं सुपरस्टार आमिर खान। क्या है पूरी खबर, हैव अ लुक। गुलाम फिल्म में आती क्या खंडाला गाकर फैंस के बीच मशहूर हुए आमिर खान जल्द ही रैप गाते सुने जाएंगे। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म दंगल में रैप गाने जा रहे हैं। आमिर इन दिनों नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म दंगल में काम कर रहे हैं। दंगल में आमिर एक पहलवान के रोल में नजर आएंगे। आमिर फिल्म में सिर्फ पहलवान के किरदार में ही नजर नहीं आएंगे बल्कि उनका एक अलग रूप भी इसमें नजर आएगा। आमिर दंगल के लिए एक रैप गाने की तैयारी कर रहे हैं। आमिर फिल्म दंगल के लिए एक रैप गाएंगे, ये खास गाना होगा जिसे लेकर आमिर काफी उतावले नजर आ रहे हैं। ये एक मन बहलाने वाला गीत होगा जिसे फिल्म की प्रमोशन में इस्तेमाल किया जाएगा। गाना रिकॉर्ड करने के बाद आमिर इसका वीडियो शूट करेंगे। आमिर इसे पहले साल 1998 में रिलीज सुपरहिट फिल्म गुलाम में आती क्या खंडाला गुनगुना चुके हैं। आमिर ने फिल्म तारे जमीन पर के गीत बम बम भोले को गायक शान के साथ गाया था। वेल, आमिर की आवाज का जादू तो पहले से देख चुके हैं, बस अब देखना ये भी होगा कि आमिर की ये फिल्म कितना धमाल मचाती है।
कपिल शर्मा के शो पर वापसी लौटी बुआ, यानी कि उपासना सिंह ने कपिल के शो में ली एंट्री। कलर्स के शो कॉमेडी नाइट्स लाइव के खिलाफ चैनल को कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे चुकी एक्ट्रेस उपासना सिंह अब जल्द कपिल शर्मा के गैंग में लौट रही हैं। जी हां, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल शर्मा की बुआ का किरदार अदा करने वाली उपासना सिंह सोनी चैनल के शो द कपिल शर्मा शो में वापसी कर रही है। द कपिल शर्मा शो की क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोस ने इस बात की कंफर्मेशन एक ट्वीट के जरिए की है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, देखे कौन लौट आया है, वाह उपासना जी और नसीम जी, द कपिल शर्मा शो की मस्ती इस रविवार डबल होने वाली है। प्रीति के ट्वीट से ये साफ है कि उपासना सिंह के साथ साथ जाने माने कॉमेडियन नसीम भी कपिल के कॉमेडी गैंग में शामिल होने जा रहे हैं। खबरों के अनुसार उपासना कॉमेडी नाइट्स लाइव शो में काम करके सेटिस्फाइड नहीं थी और इस शो को लेकर किए गए कॉन्ट्रैक्ट में भी कई दिक्कतें थी, इसलिए उन्होंने इस शो को छोड़ने का फैसला किया था। वेल, देखने वाली बात होगी कि शो में उपासना के आने से कपिल के शो की टीआरपी में क्या बदलाव आता है। बॉलीवुड की हॉट एंड सेक्सी हीरोइन बिपाशा के करियर पर लग गया है ब्रेक। बिपाशा के पास नहीं है एक भी फिल्म। हैव अ लुक। कभी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी बिपाशा बसु के पास अब फिल्मों की काफी कमी है। रिपोर्ट्स की माने तो बिपाशा के पास ऑफर तो आते हैं लेकिन उनमें से कोई चैलेंजिंग नहीं है। बिपाशा बसु का करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। वही उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर भी अपने करियर की शुरुआत में ही हैं, तो ऐसे में लगता है कि बिपाशा ने कुछ और ही प्लान कर रखा है। बिपाशा नहीं चाहती कि वो फिल्मों में सिर्फ इसलिए काम करे क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा है, बल्कि वो ऐसे फिल्में करना चाहती है जो उन्हें पसंद भी हो। वेल, अभी तक बिपाशा के पसंद की फिल्म डिप्स को नहीं मिल पाई है। होप कि आपको जल्द ही कोई अच्छी स्टोरी मिल जाए। फिलहाल एंटरटेनमेंट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।